हाई एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद मैं इस तरीके से आप लोगों से मिल रही हूँ। एक्चुअली जो सिट डाउन वीडियोस होते हैं ना, वैसे तो मैं वीडियोस डाल रही हूँ और काफ़ी रेगुलर भी हो गई हूँ वीडियोस डालने में, बट क्या होता है कि उस वीडियो में मुझे ऐसा लगता है शायद आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हो, या वो वाली फीलिंग नहीं आती है कि मैं आपसे मिल रही हूँ या आप मुझसे मिल रहे हो। आई एम श्योर तभी मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आते रहते हैं कि आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, छोटा सा व्लॉग डाल दो, बट एटलीस्ट व्लॉग करते रहो। काफ़ी पॉजिटिव सजेशंस भी आ रहे थे इस तरीके के कि अब नवरात्रि आने वाले हैं तो व्लॉग कंटिन्यू करूँ और व्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, भले छोटा बनाऊँ बट मैं बनाऊँगी ज़रूर। अब जो अपडेट है मेरे पापा का वो मैं आपको दे देती हूँ, बिकॉज बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे, मतलब कुछ लोग बिल्कुल ऐसे फायदा मुझसे पूछते हैं आप कैसी हो, आपकी मम्मी कैसी हैं, आपके पापा की क्या सिचुएशन है, अपडेट करो। तो मैसेज में मेरी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स से अपनी बात हो रही है, तो मैं एक बार मैं चाहती हूँ कि वीडियो में बता देती हूँ, क्योंकि मैं दिखा तो नहीं रही हूँ, तो एटलीस्ट मैं बता देती हूँ। तो ही इज़ एट रिकवरी मोड डेफिनेटली, जो हमने उनको सिचुएशन में देखा है उससे वो काफ़ी बेहतर हो रहे हैं, डे बाय डे उनकी रिकवरी हो रही है। एक्चुअली हुई बहुत बड़ी चीज़ है तो वो ठीक होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है, दैट्स इट, बाकी रिकवरी हो रही है और बहुत जल्दी मेरे पापा अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, बहुत जल्दी वो दिन आएगा और आना ही है उस दिन को डेफिनेटली। तो बस जिस दिन वो खड़े होंगे उस दिन मैं आप लोगों को अपने पापा से मिलवाऊंगी। मुझे मार्केट जाना है, क्यों जाना है वो मैं आपको बताती हूँ। सो एक्चुअली क्या हुआ था, जब मेरी शादी हुई थी तो जब मेरी शादी हुई थी ना, तब तक मुझे लिटरली बता रही हूँ, मुझे गोल्ड और या ज्वेलरी में 1% रत्ती भर का भी इंटरेस्ट नहीं था। मुझे सबसे ज़्यादा तब भी फैसिनेट करती थी वो मुझे रिंग्स ही करती थी, और मुझे सबसे ज़्यादा जो शौक था वो इंगेजमेंट रिंग का था। उसके अलावा नेक चेन्स, ईयर रिंग्स, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, ये सब का मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। एंड धीरे धीरे वो डेवलप होना स्टार्ट हुआ, मतलब वो भी एकदम से नहीं, शादी के 3 साल बाद मुझे थोड़ा शौक डेवलप होना स्टार्ट हुआ कि हाँ ज्वेलरी, डेंटी ज्वेलरीज अच्छी लगती है एंड ऑल दैट। तो हाँ, तो क्या हुआ था कि मेरी जो शादी है उसमें जो मेरे तरफ के रिलेटिव्स हैं, ब्लड रिलेशन वाले हैं, लाइक मेरी मासी, मामा, बुआ लोग, इन जितने भी ये लोग हैं ना, इन लोगों ने मोस्टली मुझे गोल्ड का जो भी सामान दिया था वो मैंने मेरी चॉइस का परचेस किया था। थोड़े से दूर के होते हैं, दूर के नहीं बोलूँगी मैं उनको, वो भी पास के ही हैं मेरे लिए, लेकिन वो सेकंड कज़िन हो गए। मेरे मम्मी पापा का तो अगेन वो फर्स्ट कज़िन ही रहेंगे, बट मेरे लिए जो उनके बच्चे वो सेकंड कज़िन हो गए, समझ जाओ, बहुत झोलमाल वाली चीज़ है। तो उनमें से मुझे कुछ और भी छोटा मोटा आता है ना, गोल्ड का आया है, किसी का रिंग आया था, किसी का ईयर रिंग्स आया था, किसी का कुछ आया था। हाँ, तो उसमें ना एक ऐसी ईयर रिंग्स है मेरे पास, जो ईयर रिंग एंड पेंडेंट सेट है तो बहुत डेंटी सा, जो इतना ज़्यादा तो मैं तो भूल गई हूँ, मेरी मम्मी को लेकिन याद है कि वो पड़ा हुआ है, पीस पड़ा हुआ है, लॉकर में पड़ा हुआ है। तो उसको मैं आज लॉकर से लेकर के आऊँगी और उसको देखती हूँ। मम्मी कह रही है कि तुम्हें वो बहुत पसंद आएगा, तो मैं देखती हूँ कि देखें तो कैसा है। मॉडिफिकेशन कराना है तो मॉडिफिकेशन करा सकती हूँ। तो आज मुझे लॉकर जाना है वो निकालने के लिए, देखते हैं कैसा है, क्या मिला है उसमें, कुछ कर सकते हैं, पहनने लायक है क्या, और पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते, ऐसा करके वो देख करके आना है मुझे। उसके बाद मेरी नानी की एक बहुत ही प्रेशियस अमानत है, मतलब मेरी नानी, पहले क्या होता था, पहले के लोग ना ऐसे सिल्वर के पाइचे पहनते थे पैरों में बहुत सारे, और वो एकदम सॉलिड होते थे, मतलब काफ़ी हैवी और बहुत भारी होते थे। तो वो मेरी नानी का है, नानी ने मेरी मम्मी को दिया था, मेरी मम्मी और मेरी मासी और मामियों को सबको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो, मेरी मम्मी ने वो मुझे दे दिया है। मम्मी कह रही थी कि तुम इसको कुछ देख लो कितने में जाता है क्या है, और कुछ चीज़ नानी के उसके लिए अमानत की तरह वो ले लेते हैं। तो मैं यही सोच रही हूँ कि वो भी लेकर के जाऊँगी मैं, जो पाइचे होते हैं, पाइचे बोलते हैं उनको, काफ़ी हैवी होते हैं, आप लोग समझ जाओगे, दिखाऊंगी मैं भी आप लोगों को। तो ये आज मुझे काम करना है ज्वेलरी वाला। नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी ना, तो नवरात्रि के बाद से बहुत रश स्टार्ट हो जाएगा और मुझे लगता है कि तब गोल्ड का प्राइस भी शायद इंक्रीज़ हो सकता है। सो दिस इज़ द राइट टाइम, अभी मैं जाती हूँ वो सब करवाने के लिए, अभी सब ज्वेलर्स वगैरह काफ़ी फ्री भी बैठे हुए हैं, तो मैं जिन ज्वेलर के पास जाती हूँ भोपाल में एक है, उन्हीं के पास मेरा सारा काम होता है, अगर मुझे लोकली कुछ काम करवाना होता है तो वहीं जा रही हूँ। और यस, ये मुझे काम करवाना है। ओके गाइस, तो सबसे पहले ये है वो ईयर रिंग्स, एंड इसमें ना ऐसे स्टोन लगा हुआ है और गोल्ड के हैं ये, तो काफ़ी लॉन्ग है, मतलब मैं इतने लंबे पहनती ही नहीं हूँ ना, मुझे पसंद है पहनना और मुझे नहीं लगता कि मैं पहनूंगी। मम्मी बोल तो रही थी तुम साड़ी वाड़ी में इसको कैरी कर सकती हो, बट मुझे इतने लंबे पहनना अभी तो नहीं पसंद है फॉर नाउ। और साथ में ये पेंडेंट है और इस तरीके के ईयर रिंग है, तो मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा सा शॉर्ट करवाऊँगी, इसको कट करवाऊँगी और देखते हैं क्या करवा सकते हैं। एंड दीज आर द पाइचेस जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, तो ऐसे और भी हैं, तो इस तरीके के जो पहनने के होते हैं, मतलब पैरों में, ये इतने हैवी होते हैं, मैं सोचती हूँ पता नहीं कैसे ये लोग पैर में कैरी करते होंगे, ये एक या दो कैरी नहीं करते थे, मतलब एक पैर में 6-6, 7-7, 12-12 कैरी किए जाते थे। तो ये मेरे पास है, तो इनको भी मैं देखती हूँ कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यस, लेट्स सी।
ओके गाइस, तो पार्किंग में मैंने गाड़ी वाड़ी लगा दी है और अब निकलते हैं। सो दिस इज़ द ज्वेलर शॉप जहाँ पर मैं आती हूँ, और जो मेरा इयररिंग वाला काम है वो मुझे हार्डली एक या दो दिन में मिल जाएगा, मतलब। और जो वो सिल्वर वाली चीज़ें हैं उसका भी मैंने रिटर्न कॉस्ट पता कर लिया है। एंड ऑल्सो यहाँ पर मुझे मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर मिली थी जिनका नाम है हिमांशु, एंड पुणे में रहती हैं वो, बट शी इज़ बेसिकली फ्रॉम भोपाल, IT कंपनी में जॉब करती है। बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे मिल करके भी। हाय गाइस, सो मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। आज हाल में बहुत बारिश हुई है, कल लाइट ही नहीं थी, बहुत लेट लाइट आई है, तो फिर मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। यस, सो आप अभी मेरी सिचुएशन देख पा रहे हो, दीज टू आर द एक्टिव एक्ने। तो हुआ ये है, ये जो मेरे को एक्ने का सिचुएशन हुआ, इट्स जस्ट इन बिटवीन 5 to 6 days, मतलब बैक टू बैक आते जा रहे हैं। ये तीन जो हैं ये सबसाइड हो चुके हैं, बट ये जो दो हैं, दीज टू आर द एक्टिव एक्नेस, इधर कुछ नहीं है। तो क्योंकि मेरी हिस्ट्री रही है PCOS की, तो मुझे ऐसा डाउट हुआ, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल अभी पूरी तरह से हिल चुका है, आई रियली डोंट नो। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि मेरा दोनों चीक्स भर जाएं, क्योंकि मुझे पहले ये प्रॉब्लम रहा है, और काफ़ी एक्नेज होना, सिस्टिक एक्ने जब होना स्टार्ट होते हैं तो आपका हार्मोनल कुछ इशू होता है। तो आई वेंट टू द होम्योपैथिक डॉक्टर, मैंने उनको दिखाया, उन्होंने मुझसे पूरी मेरी पूछा हिस्ट्री, माई पीरियड स्टेट्स एंड एवरीथिंग, कि कितना डेज में आ रहा है एंड कैसा लाइफस्टाइल चल रहा है, क्या हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि डजेंट लुक लाइक अ हार्मोनल इशू, मे बी बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, पानी का इंटेक कम हो गया होगा उस वजह से हो रहा है, और एक्सरसाइज ज़्यादा करना है। अभी मेरा योगा वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, तो आई हैव स्टार्टेड योगा फ्रॉम लास्ट 3 days। सो दिस इज द कंडीशन, मैं आपको एक महीने के बाद इसका अपडेट दूंगी, मैंने पिक्चर खींच के रख लिया है, बिकॉज नाउ आई एम वर्किंग ऑन दिस थिंग। तो उन्होंने मुझे दवाई वगैरह कुछ नहीं दी कैसा है, और आज मेरी मोस्ट प्रॉब्ली जो ज्वेलरी मैंने बनने के लिए डाली थी ना, वो उन्होंने बोला था दूसरे दिन ही मिल जाएगी, तो आज मैं बात करूंगी, अगर नहीं मिलती तो कल के वीडियो में, मैं इसी ब्लॉग में आपको दिखा भी दूंगी कि वो कैसी बन के आई है। और आज वी हैड अ प्लान, जो मेरी फ्रेंड है दीक्षा करिश्मा, जाने वाले करिश्मा के घर पे, तो अभी फटाफट से आई जस्ट गो एंड टेक शार, और शार लेके आने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ओके गाइस, सो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या पहना हुआ है। दिस इज द टॉप जो मैंने अमेज़न से मंगवाया था, माय जीन्स, एंड अपने बालों को कर्ल नहीं रखा है, एज इट इज जैसे थे वैसे ही रखा हुआ है, एंड दैट्स इट। इयर रिंग्स नहीं पहने हैं, बिकॉज मैं चोकर टाइप का ही पहनी हुई हूँ, दैट्स वाई। माई ब्रेसलेट्स, दैट्स इट। वो ने आज डिसाइड किया कि हम लोग थोड़ा जल्दी मिलेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, इन लोगों को टाइम देती हूँ मैं, जितने बजे का भी मैं टाइम देती हूँ, सॉरी फैन थोड़ा नॉइज़ कर रहा है, तो हाँ जितने बजे का भी मैं इनको टाइम देती हूँ, ये हमेशा उससे आधा घंटा या पौन घंटा या समटाइम्स एक घंटा लेट होती है। मतलब अगर हम लोग अगर डिसाइड हुआ है 3:30 बजे, तो वो 4 बजे हम मिलते हैं। तो इस बार मैंने उन लोगों को बोला, मैं कहा भैया, क्योंकि मुझे वापस घर आना पड़ता है 5:15 बजे, केयर टेकर आता है, फिर फिजियोथेरेपी होती है, वो सब चीज़ें होती है, तो मुझे प्रेजेंट रहना पड़ता है। तो मैं कहीं पर भी हूँ तो ये दिन का जो स्लॉट होता है ना, जैसे 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक मैं फ्री रहती हूँ, तो मुझे जो भी काम करना होता है, मुझे मेरी कुछ सामान खरीदने जाना है या कोई किसी से मिलने जाना है, तो मैं इसी बीच के टाइम में मिलती हूँ, क्योंकि इस टाइम पर थोड़ा रिलैक्सिंग माहौल होता है घर में, पापा भी थोड़ा रेस्ट करते हैं, मम्मी रेस्ट करती हैं, तो इतनी ज़रूरत नहीं होती है मेरी, बाकी टाइम फिर मुझे प्रेजेंट रहना पड़ता है। तो यस, एंड मैंने बहुत ही प्यारा सा न्यूट सा कलर लगाया, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और करिश्मा जो है, उसका ना भी नया घर रेनोवेट हुआ है, तो मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, बिकॉज हम भी फर्स्ट टाइम देखने वाले हैं, और काफी सुंदर उन लोगों ने रेनोवेट करवाया है। जब मैं पहुंचूंगी ना, मैं तब आप लोगों से मिलती हूँ। ओके, सो आई रीच्ड हियर, इसका नया घर बना है, तो मुझे ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, बट या आई एम फाइनली हियर, एंड या लेट्स गो। हाय शानू, हाय। रुचि मासी की दूसरी मासी, हाय। हेलो करो। नमस्ते आंटी। ओके, सो ये है हमारी करिश्मा का नया घर, नहीं है रेनोवेटेड घर। हाँ, फॉल सीलिंग लगने से ही बहुत लुक आ गया, वेरी प्रिटी। And this is the TV unit. I really loved it. काफ़ी सही लग रही है। So this is the guest room जो इन लोगों ने बनवाया है, renovate करवाया है। इसके side वाला जो room है वो उसके in-laws का room है। ये मंदिर है, बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे मंदिर। आजकल इस तरीके के मंदिर काफ़ी trend में है, मतलब अच्छा लगता है ये, ऐसे CNC cutting वाला और पीछे जो lightings वाला मंदिर होता है। So ये मंदिर है, फिर उसके बाद ये हम दूसरे साइड आ गए जो नया वाला पार्ट है। तो यहाँ पर इन लोगों ने ऐसे lounging area बना के रखा है, lounge area टाइप का, फ्रेंड्स वगैरह आकर के सेट आउट कर सकते हैं चिल मारने के लिए। सो आई रियली लाइक दिस एरिया, हम लोग यहीं पर बैठे हुए थे, और इसके जस्ट साइड में इन लोगों का बेडरूम है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका जो ड्रेसिंग टेबल था, इट्स ए नाइस आइडिया, आप इस तरीके का कुछ बनवा सकते हैं। फुल साइज मिरर विद स्टोरेज यूनिट, एंड दिस इज द बेड। तो इसी रूम से लग करके एक बहुत बड़ी सी बालकनी है, और जो लाउंज एरिया है उसके साइड वाला जो रूम है वो किड्स बेडरूम है।
बहुत सही है ये देखे इसके घर से अरे भोपाल की मनुआ भान की टेकरी बोलते हैं इसको कुछ लोग कुछ मन भावना ये बहुत सारे नाम है इसके दिस इज अ हिली एरिया और ये इसके पूरे मस्त टेरेस बैल्कनी से दिखता है करिश्मा और वो रहा ये रहा गुंडा पहले ना इसका जो घर है वो उस तरफ ही था इन लोगों ने यहाँ पे परचेस करके एक्सटेंड करा लिया तो काफी बड़ा हो गया है अभी टोटल कितना स्क्वायर फीट हो गया है 3,500 स्क्वायर फीट हो गया है 1,500 तो यूजुअली यहाँ होते ही हैं ड्यूप्लेक्स हाँ और अभी हमारी जो तिकड़ी तिकड़म की तीसरी बंदी है वो आ रही है दीक्षा एज यूजुअल लेट नहीं वैसे तू भी लेट नहीं मुझे लग रहा था कि वो ना अपना दिखाने के लिए आएगी कि मैं आई हूँ अब पहले क्योंकि मैंने सिर्फ ताने मारे लेकिन नहीं आई मैं जबकि बहुत दूर से आ रही हूँ मतलब ये काफी दूर रहती है मैं बहुत दूर रहती हूँ रहती है 1 किलोमीटर हाँ वो 1 किलोमीटर और मैं अपने पापा का पूरा काम करके आई मेरी टेढ़ी साली चलेगी तो इसको गालियाँ देगी ये इसको तैयार होने में 2 घंटे लगे ये नहीं इसको देखो इसको बैठ गया ना वो ऐसे ही कर रहे इसको हम ऐसे ही गुंडा नहीं बोलते हैं हाय ओके तो नेक्स्ट डे मुझे जाना था मार्केट 99 कुछ लेकर के आना था हम लोगों को जो बेड टेबल होता है ना पापा के लिए वो लाना था तो उसके लिए हम लोग मार्केट 99 गए थे मतलब मैं गई थी तो मैंने फिर चेकआउट भी किया कि क्या क्या नया सामान आया है तो बहुत सारी चीज़ें तो मुझे वही ओल्ड ही दिख रही थी ये सब तो देखो पुराना ही है बाकी हाँ ये जो वॉल मिरर्स आए हैं ये मुझे थोड़े नए लग रहे थे गोल्डन वगैरह कलर के उसके बाद बहुत सारे जो फ्लावर पॉट हैं ये भी काफ़ी नया आया है एंड अच्छे रेंज में थे मतलब ये काफ़ी ओरिजिनल लग रहा है एंड इट्स जस्ट 450 रुपीज़ का और ये गोल्डन वाला जो छोटा सा प्लांटर पॉट है ये भी मुझे नया ही लग रहा था एंड ये 299 रुपीज़ का है और काफ़ी कलरफुल छोटे छोटे से वासेज आए हैं क्यूट क्यूट से मतलब आप डेकोरेटिव पीस ऐसे दिवाली आ रही है ना तो आप डेकोरेशन में रखने के लिए यूज़ कर सकते हो ये वाइट कलर तो पुराना है एंड ये जो दिख रहा है ना ये पर्पल एंड पिंक ये मुझे नए लग रहे हैं शायद से आई डोंट नो मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ उसके बाद ये भी जो इस तरीके के छोटे छोटे से ऐसे विंटेज वाले वो होते हैं हैंगिंग वो भी ये नए आए हैं ये मुझे बहुत पसंद आ रहे थे मतलब ये ऐसा हो गया था कि मुझे ऐसा मन कर रहा था कि मैं एक रख लेती हूँ मुंबई वाले घर के लिए बट फिर मैं यही सोच रही थी कि अभी मैं कब जाऊँगी उसको कहाँ ये नया मिल जाएगा कुछ ऐसे करके मैंने उसको छोड़ दिया और मैं जब दोबारा 3-4 दिन बाद किसी काम से गई थी ना तो लिटरली वो सब आउट ऑफ स्टॉक हो गए तो मुझे बड़ा दुख लग रहा था तो अगर आपको दिखे ना वो तो ज़रूर परचेस करना बिकॉज काफ़ी सस्ते हैं एंड दिख बहुत प्यारे रहे हैं फिर ये इस तरीके की वॉल हैंगिंग्स भी नई आई है ये भी काफ़ी सही लग रही है मुझे बट थोड़ी सी मुझे एक्सपेंसिव लग रही थी मतलब ये 1,999 और 799 की है तो आपको 1 नहीं लगाना पड़ेगा आपको 3-4 लगाने पड़ेंगे और मेरा बार बार मन हो रहा था कि मैं उसको ले लूँ बट मैंने लिया नहीं काफ़ी सारी पेंटिंग्स आई हैं काफ़ी नया स्टॉक आया है मतलब दिवाली के हिसाब से ये भी मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे छोटे छोटे से प्लांटर्स बहुत प्यारे लग रहे थे मतलब कलर्स देखो इनके कितने हैप्पी कलर्स हैं ये भी मेरा लेने का मन कर रहा था बट फिर मैंने सोचा अभी कोई मतलब नहीं है लेने का जब मैं जाऊँगी तब मैं ले करके जाऊँगी और ये भी छोटे छोटे से प्लांटर्स आए हैं मतलब काफ़ी नया वेराइटी एंड रेंज आया है सो भोपाल में ना बस होम सेंटर नहीं है बाकी यहाँ होम टाउन और मार्केट 99 और बहुत सारी चीज़ें हैं फिर उसके बाद मैंने मार्क्स एंड स्पेंसर्स गई थी देखने के लिए कि कुछ सेल वगैरह लगा है तो कुछ सेल नहीं लिखा और ये बाकी जो लिनन की शर्ट्स हैं भाई ये सब 2,500-3,000 की थी तो मैं वैसे ही आ गई मैंने कुछ भी झांका भी नहीं फिर जब मैंने प्राइस देख लिया तो बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहे थे देन आई वेंट फॉर दिस ईयर पियर्सिंग मुझे करवाना था और 3 ऑप्शंस थे हमारे पास या तो आप 18 कैरेट गोल्ड रियल गोल्ड का आप करवा सकते हो या 22 कैरेट के साथ आप करवा सकते हो ये गोल्ड नहीं है ये सिर्फ पॉलिशिंग होती है और एक थर्ड ऑप्शन होता है स्टेनलेस स्टील का तो क्योंकि मैं अपनी पसंद का ऊपर कुछ पहनूंगी तो मैंने सोचा कि मैं जो रियल गोल्ड है उसमें इन्वेस्ट नहीं करती हूँ मैं नॉर्मल जो सेफ्टी क्लच वाला स्टेनलेस स्टील का होता है उसको उसमें वो करती हूँ तो यहाँ पर मार्किंग हो रही है कि कहाँ पे करना है और एक यहाँ ऊपर करना है ठीक है फिर मैं क्या करता हूँ एक तो करेंगे इसके पास ही कर दीजिए थोड़ा थोड़ा पास थोड़ा पास ये नहीं नहीं दूसरा इधर नहीं इधर नहीं तो ये डीबी मॉल में एक स्टोर है मार्केट 99 के साइड में ज्वेलरी का बेसमेंट में ही है वहाँ पर मैंने करवाया है और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है मतलब अभी मुझे 5 दिन हो गए मेरे को कोई भी ऐसा कुछ वो नहीं हुआ है अपने ईयर में भैया एक मिनट पहले इधर कर दो भैया एक मिनट रुको मैं सोच रहा था दूसरा कराना है कि नहीं कराना 6-4 रुको चाय चल जाएगी ना चाय चाय लेंगे नहीं मैं चाय पीती नहीं हूँ भैया एक मिनट नहीं मैं ये नहीं कुछ नहीं कर रहा हूँ कुछ नहीं आप जब बोलोगे जब ही करेंगे आपको बहुत अच्छा ओके गाइस आई एम बैक और मैंने पहले 2 करवाने वाली थी बट मैंने 1 ही करवाया क्योंकि मुझे इस वाले ईयर में भयंकर लेवल पे दर्द हो रहा है दिस इज़ द 3rd टाइम दैट आई एम अटेम्प्टिंग ये जो ईयर पियर्सिंग है वो इस वाले एरिया में तो लेट्स सी अगर ये सक्सेसफुल नहीं होना फिर मैं कभी लाइफ में ट्राई नहीं करूँगी मैंने सोचा यार एक बार और ट्राई करके देखती हूँ कि शायद पेन ना हो तो मैं घर निकलती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ
तो बस जिस दिन मैं निकली थी ना उस दिन हमारे यहाँ सब्जी का हाट लगता है, तो पहले ये ड्यूटी मेरे पापा की होती थी, अभी मैं करती हूँ। मुझे बिल्कुल भी सब्जी लेना पसंद नहीं है, बट ठीक है अभी सिचुएशंस ऐसी हैं, तो अब तो मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ, मतलब मैं इतने टाइम से मैं ही ले रही हूँ सब्जी। ओके हाय गाइस, तो मैं आप लोगों से डायरेक्टली कल के बाद आज मिल रही हूँ। एक्चुअली अगर आप मेरे पुराने ब्लॉग्स देखते होंगे तो आपको पता होगा मैंने लास्ट ईयर भी यहाँ पर पियर्सिंग ट्राई करवाया था, ठीक है, एंड वो फेल हुआ बहुत ही मिजरेबली। आई थिंक 2020 में करवाया था या 2021 में, ऐसे ही कुछ लॉकडाउन ओपन हुआ था और फिर मैंने करवाया था। तो मैंने दोनों तरीके से पियर्सिंग ट्राई कर चुकी हूँ, लाइक मैंने जो वो होता है ना ऐसे कट से, जो लोकल हमारे जो पुराना तरीका चलता था छेद कर देते हैं वहाँ पे, मैं वैसे भी करवा चुकी हूँ और वो भी मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ, मेरे को इस ईयर में पक जाता था। उसके बाद जो मैंने सेकेंड टाइम करवाया, तब मैंने क्या करवाया था, वही शॉर्ट गन वाला करवाया था। मुझे बोला गया वो बिल्कुल भी फेल नहीं होगा, सक्सेसफुल होगा, ये होगा वो होगा, तो मैंने वो करवाया, वो भी अगेन फेल्ड मिजरेबली। भी इस बार मुझे सबने मना कर दिया था, मम्मी ने, विक्की ने तो स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि नहीं करवाओ, हर बार वैसा हो जाता है, फिर पेन होता है, ये होता है, क्योंकि वो एकदम रेड हो जाता है और मैं फिर निकालती नहीं हूँ, सोचती हूँ शायद थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, ऐसे करते करते मेरे 20-25 डेज खराब हो जाते हैं। मतलब अगर होना होता है ना तो मेरा जो रेडनेस होती है वो कम ही नहीं होती है, बट अभी जो सिचुएशन है इसकी ये काफ़ी बेटर है। मतलब अब आते हैं इस एक्ने वाले सिचुएशन में, तो आप देखोगे ना तो जो मैंने फर्स्ट डे दिखाया था उससे ये काफ़ी सबसाइड हो चुके हैं। नाउ दीज आर द मार्क्स। अब एक्ने कोई भी नया नहीं आ रहा है, वही मुझे लग रहा है जो डॉक्टर ने बोला था वो एकदम सही बोला था कि मुझे कुछ फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था इस चीक पे। मैंने जो आपको बताया था ना कि मैं अपना इयर रिंग मॉडिफाई करवाने वाली हूँ, तो वो आ गए हैं मेरे पास, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके सो नाउ दीज आर द इयर रिंग्स, ठीक है, ये देखिए, ये इन दो में मैंने, ये रहा एक दो, और ये जो है ना ये मैंने इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, तो क्या किया है मैंने इन बालियों के अंदर, अब मैं इसको अटका सकती हूँ, ये दिखा आपको, तो मैं इस तरीके से इसको पहन सकती हूँ। बने हैं मतलब ये जो ये इस तरीके से पेंडेंट था मैंने नीचे से कट करवा करके इनमें अलग से वो लगवाया है, तो मेरे पास ये तीन का और सेट हो गया है, सेट हो गया है मेरे पास, तो मैं इनको भी सोच रही हूँ कुछ करवाने का। नाउ लुक एट दिस। ओके तो अगर आप नोटिस करोगे ना तो इस तरीके के इयर रिंग्स का आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है, मतलब इन अ हुप में ऐसे कुछ लटकन टाइप का, तो ये मेरा रेडी हो चुका है, मतलब यू कैन वेयर दिस ऑन वेस्टर्न, आप इसको वेस्टर्न में भी पहन सकते हो, आप ऐसे ही पहन सकते हो। हाई एवरीवन, सो शावर लेने के बाद मैं आ गई हूँ अभी आप लोगों के सामने, एंड आई एम जस्ट अटेंडिंग अ वर्कशॉप। आज मेरी 11 बजे से एक वर्कशॉप थी, सो जिस वर्कशॉप को मैं अटेंड कर रही हूँ, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये कोई इंटीरियर वास्तु इन सब से रिलेटेड नहीं है, ये दूसरे ही तरह की है और डांस रिलेटेड भी नहीं है, बट जिस वर्कशॉप को मैंने अभी अटेंड किया है, माय गॉड, आप सोचो उसमें कितने सारे मतलब जॉइनीज आए हैं इसमें टोटल। ये आज 2 घंटे की वर्कशॉप है, 11 से 1 बजे तक की, एंड अभी तक मेरे पास जो पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन हुए ना यहाँ पर हमारी वर्कशॉप में, 285 लड़कियाँ ज्वाइन हुई हैं, एंड जिस वो बता रही है जो वर्कशॉप अटेंड ले रही है कि 400 लोग आने वाले हैं। जस्ट इमेजिन हाउ क्रेजी इट इज़। मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रही हूँ, तो मैं बताती हूँ, पहले मैं अटेंड करती हूँ फिर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैं अपनी फर्स्ट टीम नाच की डांस वर्कशॉप गई थी, उस साल मैंने बोला था कि मैं काफ़ी सारी मल्टीपल वर्कशॉप्स अटेंड करना चाहती हूँ, काफ़ी सारी नई नई चीज़ें सीखना चाहती हूँ, बट फिर वो लॉकडाउन हैपेंड एंड उसके बाद फिर बहुत सारी बैक टू बैक चीज़ें चल रही थी, तो वो हो नहीं पाया। एंड अभी आई थिंक यूनिवर्स ने मुझे टाइम दिया है, अभी मेरे पास टाइम है ये सब करने का, क्योंकि मैं इतने व्लॉग्स और यूट्यूब वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, तो आई थॉट कि अपने टाइम का यूटिलाइज करूँ और जो जो मैं करना चाहती हूँ वो सारी चीज़ें मैं अटेंड कर रही हूँ वर्कशॉप। हाउ मेनी पीपल आर देयर, लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस, मैं आपको वो बताती हूँ, एंड पीपल आर कीप ऑन कमिंग, मतलब आए ही जा रहे, आए ही जा रहे। सबसे पहले मैं वर्कशॉप अटेंड करती हूँ और फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। हाई एवरीवन, सो मेरी एक सब्सक्राइबर है, तो उनका नाम है चंद्रेश राठौर, सो बेसिकली शी बिलोंग्स टू राजस्थानी कल्चर एंड शी लिव्स इन बैंगलोर। तो उन्होंने जब ये देखा कि मैं मेरी जो मतलब विक्की की जो फैमिली है, मेरे जो इन लॉज की फैमिली है, दे फॉलो दिस कल्चर, सो शी गिफ्टेड मी अ साड़ी, उन्होंने मेरे को साड़ी गिफ्ट करी है, भिजवाई है। एक्चुअली वो बॉम्बे पहुंची गई थी, विक्की अभी मुंबई गया था, तो मैंने उससे वहां से मंगवा ली है। सो उन्होंने इतनी ब्यूटीफुल साड़ी पहनी है, तो जो राजस्थानी फैमिलीज में जिस तरह की नहीं एकदम प्योर शिफॉन की साड़ी पहनते हैं और जिस पैटर्न में पहनते हैं, वो पिक्चर मैं यहाँ पे लगा दूंगी, तो मेरे पास इस तरह की कोई साड़ी थी भी नहीं। वो साड़ी वेरी ब्यूटीफुल, ये उस तरह की साड़ी है एंड इसमें ऐसे गोटा पत्ती, प्योर गोटा पत्ती का वर्क किया हुआ है, दिस इज अ प्योर साड़ी। मैं ऐसे छोटे छोटे जो मुकेश क्या बोलते हैं इसको, एंड पूरी तैयार करके साड़ी भेजी हुई है। थैंक यू सो मच चंद्रेश, आप सोच भी नहीं सकते हो कि मुझे कैसा लग रहा है ये साड़ी रिसीव करके। कलर का ये जो आपको दिख रहा है ना, मैं कल बुटीक जाऊंगी, ब्लाउज बनवाने का सोच रही हूँ इसके लिए।
सो दिस इज़ द फ्रेम, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेम है, बट मैं क्या करने वाली हूँ, उसका जो ग्लास है ना वो मैं चेंज करवा लूँगी और इसको मैं डेफिनेटली अपने घर पे यूज़ करने वाली हूँ बिकॉज दिस इज़ सच अ प्रिटी एंड क्लासी फ्रेम. सो थैंक यू सो मच फॉर द लवली गिफ्ट. इसको पेपर में ओपन किया है क्योंकि मुझे पता था कि टूट गया है तो वो कहीं बिखरे ना, सो दैट्स वाई मैंने इसको पेपर में ओपन किया है. सो नाउ आई गॉट सॉरी फॉर द, मैं एक्चुअली बाहर चली गई थी, मेरे पापा को जब हम लोग व्हील चेयर पर बैठाते हैं तो थोड़ा एक दो लोग लगते हैं. सो आई द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज आई गॉट फ्रॉम दिस दागीने. इनका पेज एक्चुअली जो ऑफिशियल पेज है ना वो, उसमें काफ़ी सारे फॉलोअर्स थे बट आई थिंक कुछ रीज़न की, टेक्निकल रीज़न की वजह से वो पेज उनका वो हो गया है, तो मैं नया आईडी जो है यहाँ पर मेंशन कर दूंगी. सो ये मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल इयररिंग्स भेजे हैं, बहुत प्रिटी, लाइक लिटरली बहुत प्रिटी है. लुक एट देम, सो प्रिटी एंड द क्वालिटी इज रियली रियली अमेजिंग. प्रिटी झुमकास, लुक एट दिस, इसके ऊपर इतनी प्यारे से ऐसी मोर बनी हुई है, बहुत प्यारी डिटेलिंग है, फिनिशिंग है और क्वालिटी बहुत अच्छी है. यस थैंक यू सो मच. ये है नेक्स्ट चीज़. उसके बाद ओके उसके बाद जो नेक्स्ट पीस है वो ये ब्यूटीफुल मैक्रेम शेल्फ मेरे पास आया है. अमेजिंग शेल्फ है ये एंड काफ़ी प्यारा सा है. तो ये मुझे एक्चुअली मेरे जो रुचि स्टाइल कॉर्नर है उस पेज के थ्रू नहीं आया है दिस. ये जो कोलैबोरेशन है ये मुझे मिला है मेरे जो होम डेकोर पेज है उसके थ्रू. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. आज का वीडियो जो है वो यहीं ख़त्म करते हैं. कल नवरात्रि है, नवरात्रि का वीडियो कल से स्टार्ट करूँगी मैं, ब्लॉग करना स्टार्ट करूँगी. एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ you do so then do not forget to hit the like button, subscribe to my channel and हाँ I'm sure मैंने एक और चीज़ बोली थी कि मैं बताऊंगी बाद में कि मैंने किस चीज़ की वर्कशॉप अटेंड करी थी. सो वो भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, कल वाले व्लॉग में जो मैं कल से स्टार्ट करने वाली हूँ उसकी. और वो वर्थ इट है कि नहीं है, 1000 रुपये आपके मेरे डूबे कि मुझे सही लगा वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी. सो यस दैट्स इट फॉर द वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.